देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा कंगना के खिलाफ आंदोलन। शिवसेना महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ठाणे और नासिक में अभिनेत्री कंगना रानौत के खिलाफ नारेबाजी की। मोर्चा में कंगना के पोस्टर पर चप्पल से पिटाई की और उसके पुतले व पोस्टर्स जलाए। दरअसल कंगना ने कहा था कि मुंबई उन्हें पीओके जैसी लग रही है और उन्हें मूवी माफिया से ज्यादा डर मुंबई पुलिस से लगता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट किया है कि एएनआई के अनुसार शिवसेना विधायक प्रदीप सरनाइक ने इंटरव्यू में कंगना को धमकी दी है। मुंबई पुलिस को उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इससे पहले सरनाइक ने ट्वीट में कहा था कि मुंबई पुलिस की तुलना पीओके से करने के लिए कंगना पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, जिस वजह से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के द्वारा सरनाइक की गिरफ्तारी की मांग की गयी। तो वही शिवसेना नेता विधायक प्रताप सरनाइक ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। तो वही अभिनेत्री कंगना रानौत द्वारा मुंबई की तुलना पीओके से करने पर महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा है, इतना कृतज्ञ बर्ताव व्यक्ति दो ही हालात में कर सकता है, या तो उसके संस्कार कृतज्ञता वाले हो या वह मानसिक संतुलन खो चुका है। गौरतलब है कि कंगना ने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकाने का आरोप लगाया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।